गलत पंगा लिया इस हेलीकॉप्टर ने मुझसे। तो हेलीकॉप्टर को खाक करने के बाद ये आ गए हम ग्रीनरी में। कंपाउंड बो ले लिया है हमने। लग रहा होगा आपको कि क्राइसिस वाइसिस का मैप है क्या? नहीं, पर ये बैटल फील्ड 4 है। और इस पगलेट कुमार को क्या हुआ है भाई? क्या हो गया है? कीड़े काट रहे हैं। दिखा डॉक्टर को, दिखा दे रहा इलाज कर रहा अपना। तो ये मैप बहुत बहुत जबरदस्त है। ओ चलता बना हो तो भाई, क्या बात है, मुझे भी कोई देगा लिफ्ट। तो इस मैप में मेनली मैं आपको भ्रमण कराना चाहता हूँ, पूरे मैप के दर्शन कराना चाहता हूँ, एक व्यू दिखाना चाहता हूँ जो क्या अनाप शनाप महा खतरनाक इसमें वेजिटेशन ऐड किया गया। आ रहा हूँ मैं, रुक तो जा। अब क्यों भाग रहा है तू? रुक साले। ठीक है, चलते बन। और अगर कोई आए तो ऐसा मत समझना कि मैं तेरी जान बचाऊंगा, ये तेरी गलत फहमी होगी। तो सबसे पहले मैं ही भागूंगा। तो इस मैप में मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको दिखाऊं कि कहाँ पे क्या है, और मैप के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने रखूँ, मैं परसेप्शन रखूँ। तो ये मैप आप देख सकते हो, अनाप शनाप वेजिटेशन है इसके अंदर, ज़बरदस्त ग्रीनरी है। और वैनिशिंग ऑफ ईथन कार्टर का अगर आपने ट्रेलर देखा है, तो उसका अगर आपने फॉरेस्ट मैप नहीं देखा है, तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप अभी जा कर के देखिए। और जब भी मैं किसी को बचाने के लिए किसी के साथ बैठता हूँ, तो इस जालिम दुनिया मुझे जीने नहीं देती है। आपने देखा कैसा भागा वो? एक बार फिर मैं निकल पड़ा हूँ अपने इस खटोले में। ये दरियाई खटोला है? नहीं, दरियाई तो पानी के नीचे। हाँ, मौत का कुआं वाला स्टंट, दरियाई तो पानी के नीचे हो गया, या फिर कुछ भी कह लो यार। ये हॉवरक्राफ्ट, सीधी सिंपल बात है, हॉवरक्राफ्ट बोलो, क्या ज़रूरत है स्टाइल मारने की? और झरना वगैरह, फिलहाल अभी भी ये मैप कंप्लीट नहीं है। तो मैं अगर गेम प्ले वाइज इसकी बात करूँ, तो गेम प्ले में ऐसा है कि अगर कोई बंदा सप्रेसर लेके चल रहा है और थोड़ा बहुत उसने ग्रीन कैमो सेलेक्ट किया हुआ है, तो ऐसे बंदों को वैसे भी बैटल फील्ड 4 में जो स्पॉटिंग सिस्टम है वो थोड़ा हार्ड हो गया है। और अब अगर आपने बहुत एक्यूरेटली स्पॉट नहीं किया है, तो स्पॉट नहीं होती चीज़ें, चीज़ें से मेरा मतलब है एनिमीज़। तो ऐसा है, फिर से मैं अपने दोस्त को बचाऊंगा। ये बंदा मारना चाह रहा है मेरी टीम को, और फिर से मेरा खेल खलास। जालिम दुनिया मुझे जीने नहीं देगी, अब किसी को बचाऊंगा ही नहीं मैं। तो मैं बात कर रहा था कॉम्बैट्स की। ये आई नई चीज़ क्या बोलते हो? एक्चुअली ये जो बो में आपने जो शुरुआत में भी किल देखी इंट्रो के अंदर, ये है किसी तरह का एक्सप्लोसिव बो है। और जो कि जैसे ही लैंड होता है, वैसे जस्ट 1 सेकंड बाद या आधे सेकंड बाद फटता है। और इसका डैमेज फिलहाल कोई खास नहीं है, ना ही इस पे टेक्सचर चढ़ा हुआ है। और आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको एक शायद पॉइजन बो का गेम प्ले भी दिखा पाऊंगा। और सेम अभी तो फिलहाल दोनों सेम तरह से काम कर रहे हैं। फ़र्क यह है कि जो ऑरेंज वाला बो है एक्सप्लोसिव बो, इसमें एक्सप्लोसिव हो एक्सप्लोड हो एक्सप्लोजन होता है, क्या हो गया, एक्सप्लोजन होता है जैसी ये चीज़ लैंड करती है किसी चीज़ पे। और मैंने बहुत श्योरली मैं नहीं कह सकता, पर हाँ मैंने एक एनिमी को डायरेक्ट हिट किया था इस बो से, और कुछ 5 मीटर के अंदर तो भी मुझे किल नहीं मिली थी, सिर्फ 22 या 25 का डैमेज मिला था। तो इसका मतलब ये है फिलहाल, क्योंकि ये बीटा में है, मैं पहले बता दूं कि ये वन शॉट किल नहीं है, और डैमेज बहुत रुक रुक कर होता है। मेरे ख्याल से 6-7 6-7 का डैमेज होता रहता है अगर बंदा कंटिन्यूसली भी एक जगह रुका हुआ है। और हमने ये बो मारा और वो 100% की हेल्थ पे है, तो मुझे लगता नहीं कि एक्सप्लोजन जब ख़त्म भी हो जाता है तब तक वो बंदा मरने वाला है इस चीज़ से, क्योंकि मैंने बहुत इस चीज़ को यूज़ किया है, बहुत मरा हूँ मैं इस चीज़ से किल करने के लिए। बहुत लोगों ने मारा है, मेरी केड़ी ख़राब की है, हालांकि मैं केड़ी पे ध्यान नहीं देता। हा, ये झूठ है। तो आने वाले जो वीडियो होगा उसमें ज़रूर मैं आपको पॉइजन बो का गेम प्ले दिखाऊंगा। उसमें कुछ भी दिखता नहीं है, हालांकि किसी तरह का डैमेज ज़रूर होता रहता है एनिमी को, पर आसपास कोई ऐसी गैस या कोई स्मोक होता नहीं है, पर ज़रूर एनिमी को वहाँ डैमेज होता है। देखा आपने, ये पेड़ पे ही लटक गया ये, तो मेरी एक्यूरेसी कितनी खतरनाक है आपने देखा। तो ये जो मैप है मुझे बहुत वेलकमिंग लगा डाइस की तरफ से, बहुत ज़बरदस्त काम किया गया है। पर गेम प्ले वाइज बहुत टीजिंग हो जाएगा अगर कि कोई बंदा है जिसमें बहुत कम धैर्य है, पेशेंस बहुत कम है, तो सप्रेसर वाले बंदे नाक में दम कर देते हैं। क्योंकि एक तो इतना सारा वेजिटेशन है, फॉरेस्ट इतना डेंस है, उसमें बंदों को स्पॉट करना बहुत मुश्किल है। और अगर वो सप्रेसर लेके दौड़ रहे हैं, तो फिर कहने ही क्या, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एनिमी को ढूंढ कर मारना। पर एक बार हर चीज़ हर चीज़ों की एक लिमिट होती है। एक बार हमने इस मैप को
इस मैप पर महारत हासिल कर ली, सीख लिया कौन सी जगह कहाँ है, कैसे क्या फ्लैंकिंग रूट्स हैं, और दबे पांव जाना सीख लिया, तो मुझे लगता है कि काफ़ी गेम प्ले इम्प्रूव होगा इस चीज इन चीज़ों में। तो मेरा मोटिव इस पर्टिकुलर क्लिप जो पूरी है, पूरा जो गेम प्ले क्लिप मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ, उससे मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि मैं आपको पूरा दिखा पाऊँ कि हाँ मैप में कहाँ कितनी डेंसिटी है, कैसा क्या मैप है। मेरा पूरा फोकस इस बार इसी पे है, और हाँ इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि बहुत ज़्यादा किल्स वाले मेरे पास कोई गेम प्ले इकट्ठा हुआ भी नहीं है। जो भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिला इसको मैप को खेलने के लिए, तो उससे मैं यही निकाल पाया हूँ। पर और भी क्लिप्स हैं जो कि थोड़ी जो मैंने बाद में खेली थी, जो कि और डिसेंट हैं, तो स्नाइपर राइफल से भी उसमें किल्स होंगी आने वाले वीडियो में। और ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा क्योंकि ये नया मैप है, कम्युनिटी मैप प्रोजेक्ट, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो मैं बनाऊँ और आपके सामने लेके आऊँ। और दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए, लाइक बटन हिट किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए कि हाँ मेरा काम कैसे चल रहा है। और आने वाले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं हूँ गोल्डी, भारत माता की जय।